बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इसानुलक है। इस वीडियो में एक कनाल का जो है ना किचन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे किचन कंप्लीट हो जाता है ना तो मैं फिर वीडियो बनाता हूँ, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अभी ये ना अभी काम हो रहा है, जैसे काम हो रहा है तो इसकी मैंने वीडियो आपको कुछ चीज़ें बतानी है ताकि आपको इसकी ईजीली समझ आ सके। तो जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग फेसबुक पर दे रहे हैं मेरे उसको फॉलो कर देना, ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। घर एक दफ़ा ही बनता है, बार बार नहीं बनता। उसमें छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं वो अगर रह जाएं, गलतियां रह जाएं, तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ता है और कुछ नहीं उसका करना पड़ता है। ये किचन बनाने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा है ना, वो मैं एक एक चीज़ करके इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहला जो है वो ये जो स्लैब बनाई हुई है सीमेंट की स्लैब, इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखी है ये लकड़ी, इसकी बात कर रहा हूँ। ये नीचे से ऊपर तक इसकी कितनी हाइट, कितनी स्टैंडर्ड साइज़ की हाइट है, ठीक है। ये चाहे 3 मरले का है, चाहे 5 मरले का है, चाहे किनाल का है, इसकी स्टैंडर्ड साइज़, इसका हाइट एक ही होती है, वो होती है 33 इंच। 33 इंच रखनी है आपने, ना तो बड़ा रखना है ना छोटा रखना है। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो वो बर्तन धोने के लिए मुश्किल होगी। अगर नीचा कर देंगे, किसी लेडीज़ का अगर हाइट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा झुक के बर्तन धोने पड़ेंगे। तो इसका बेहतरीन जो हल है वो स्टैंडर्ड यही है कि 33 इंच की रखें, ठीक हो गया। ये नंबर वन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, इसकी ये कितनी होनी चाहिए, ये तो होगी हाइट और इसकी यहाँ तक, ठीक है, ये कितनी रखनी है आपने, ठीक है। ये आपने 22 इंच रखनी है, ठीक है, 22। ये 2 फुट की आप स्लैब मिलती है आपको बनी बनाई, ये वाली, ये 2 फुट की, 3 फुट की। ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कम रखी हुई है, देखें ये नीचे से कम 3 से 4 इंच बड़ी आ रही है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे ये बड़ी हुई है जो आगे की तरफ, ये आपने 22 इंच रखनी है, ठीक है। ये फुट की मिल जाएगी, 2 इंच इसका गोला शोला बना के 2 से 3 इंच ये आगे की तरफ होगी, इस तरह जैसे ये आगे की तरफ हुई हुई है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें जो तीसरा मेन पॉइंट है, ये अभी लकड़ी का काम नहीं हुआ, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें सारा काम हुआ था, उसमें चीज़ों का पता नहीं चलता सी। ये आपने टाइल जो बच जाती ना, टाइल वो आपने यहाँ पर लगवा लेनी है जो बची होगी। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको नाई टाइल लगाएं, अगर आपके पास इतना है बजट तो इसको नाई लगवा लें, नहीं तो ये पुराना ही जो आपकी बची होगी वो लगा लें यहाँ पे, ताकि चूहे वगैरह या छिपकलियाँ या कॉकरेज वगैरह यहाँ पे उनका जो घर होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, कोई कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छे तरीके से इसकी फीलिंग करनी है, पुरानी टाइल यहाँ पर नीचे लकड़ी का काम तो करवाना ही करवाना है, लेकिन ये टाइल आपने लाजमी लगवानी है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपने वो जैसे किचन बन रहा होता है वो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो होल्ड है उसका वो हमने 6 इंच का करके सुराख, तो वो पाइप डाल दिया है, वो लाजमी, ये ना हो कि बाद में आपको याद आए, वो लाजमी करवाना है। उसका मकसद क्या होता है, यहाँ से पाइप आएगा सीधा, यहाँ पे होल्ड लगेगा हमारा। इसका क्या साइज़ होना चाहिए, 3 फुट होता है, 2 फुट होता है, 2.5 फुट होता है। ये कनाल का घर है, यहाँ पे 4 फीट का तकरीबन है, ये 3, 3.5, 4 फीट का। यहाँ से पाइप डाल के हम उधर से निकाल देंगे। इसमें एग्जॉस्ट फ़ैन किचन में लाजमी आपने देना है, ठीक है, एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं भूलना, वो जो है हुड नहीं भूलना, हुड आपने लगाना ही है। उसके बाद जैसे किचन अभी बनना स्टार्ट होना है, आपने क्या काम करना है, आपने ये पहले डिसाइड कर लेना है, ये वाला अगर लगा साथ ला देंगे तो गुड है, नहीं तो आपने शॉप पे जाके इसका साइज़ बता देना है, 18 इस तरह 18x24 है, 18x36 है, जो भी रखना है आपने, ठीक है। ये सिंक है, ये हमेशा विंडो के साथ सेंटर में होना चाहिए, सेंटर लाइन। ये मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा पीछे होके, ये विंडो जो है ना इसके हमारा बिल्कुल सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन होना चाहिए, ना तो थोड़ा सा इधर फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये आपने लाजमी, और चूल्हे का साइज़ भी आपने इसी तरह मेजरमेंट करके यहाँ पे आपने पहले ही बता देना है, ताकि जैसे ही घर वो स्लैब डालने से पहले, ताकि इसके अंदर से ना ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको, हमने स्लैब डालने से पहले ये निकाल दिया था, ये देखें ना निकला हुआ है, उन्होंने साइज़ पहले बता दिया था। अब वो मार्बल वाले आएँगे इस तरह इसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजली के पॉइंट की तरफ। ये कनाल का घर है, यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट हमने दिए हुए हैं। एक तो आ गया ये पॉइंट हमारा, ये फ़ैन बॉक्स पंखा वगैरह है, ठीक है। इसके साथ ये आ गया ओवन वगैरह का, ठीक है, यहाँ पे ओवन आएगा इजीली, ठीक है।
अगर छोटे साइज वो आपने तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही रख लेना, ताकि ये डिज़ाइन आपने खुद करना जो आपको अच्छा लगता है। इसमें ओवन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अगर कोई मसाले वगैरह की करनी है, रगड़ाई वगैरह। उसके बाद अगर आपने जूसर मशीन के लिए हमने ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपने लाजमी, अगर पाँच मरले का है दो पॉइंट लाजमी होने चाहिए, एक ओवन के लिए और एक जूसर मशीन के लिए, ठीक हो गया। ये तो चीज़ें मैंने बता दी हैं। और उस अच्छा उसके बाद ये जो है एग्जास्ट आपने इसमें लाजमी इंस्टॉल करना। छोटा फ़ैन अभी लगा नहीं है, ये कनाल का घर, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फ़ैन लाजमी आपने देना है, ठीक हो गया, तो फ़ैन आ जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ड्रेन आपका लाजमी होना चाहिए, ये ड्रेन है, ठीक है, क्योंकि एक ड्रेन ये आ रहा है, एक हमने दो ड्रेन दिए हुए हैं, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा किचन है, यहाँ पे अलमारी बर्तन वगैरह के लिए, ये ड्रेन आपने नहीं भूलने, ये लाजमी देने हैं, ताकि किचन की जैसे ही कोई सफाई होगी तो इस एरिया का पानी, थोड़ा सा पीछे बता दो, इस एरिया का सारा पानी यहाँ पे चला जाएगा, और इस एरिया का सारा पानी जो है ना वो उस ड्रेन में चलेगा। ये ड्रेन के पॉइंट आपने लाजमी देने हैं, ठीक है, एक तो इनकी जो होगी इजीली इनके अंदर पानी चला जाएगा। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सारे बता दिए हैं, किचन के अंदर कैसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये टाइल आपने नहीं भूलनी, ये लगानी है लाजमी, बची हुई टाइल लगा दें, इसमें कुछ देखना नहीं होता, इसके अंदर लकड़ी का काम हो जाना है, नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये आपने लाजमी लगानी है। किचन की स्लैब का साइज़ ऊपर नीचे सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया, अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई तो मुझे कमेंट में आपने बताना है, तो वो भी उसकी मैं एक फर्दर वीडियो बना दूंगा। तो देखते रहिए मेरे मोड प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर वाले पेज को, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगह।